कह रही हूँ कि 2:30 बजे से कहीं ना कहीं ग्रहण पड़ना प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हिंद महासागर, यहाँ पे ग्रहण की जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे से है। तो 2:30 बजे से पहले आप लोग जो भी खाना चाहें खा सकते हैं, बच्चों को लंच करा सकते हैं, आप लोग अपना लंच कर सकते हैं, और 2:30 बजे से पहले एक बार फेस्ट अवश्य कर सकते हैं, और 2:30 बजे के बाद कुछ ना खाइए। लेकिन आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप इतनी देर तक भूखे प्यासे रह सके, तो फिर आप कम से कम 5 बजे के बाद तो कुछ भी मत खाइए। 5 से 5:30 बजे के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। राधे राधे दीदी, सपने में डेली ऐसा आता है कि बाकी भाई जी के लिए दर्शन के लिए जाती हूँ लेकिन दर्शन नहीं हो पाते, मुझे और हनुमान जी दिखते हैं। अगर हनुमान जी आपको दिख रहे हैं तो हनुमान जी बंदर का ही स्वरूप है, और जब भी बंदर हनुमान जी के ही स्वरूप है, माफी चाहूंगी, तो आप जब भी श्रीधाम वृंदावन दर्शन के लिए आए तो चने जरूर लेकर आए। श्रीधाम वृंदावन में बंदर बानर सेना बहुत बहुत ज्यादा है, तो जब भी आए तो चने लेकर आए और यहाँ पे बंदरों की सेवा करें। दीदी मूली मंगवा सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, मूली मंगवा सकते हैं। दीदी पीरियड्स में हनुमान चालीसा चलता है तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े बोलते हैं, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, गलत, एकदम गलत है। हनुमान जी को अपना भाई बनाओ, हनुमान जी को अपना सखा बनाओ, हनुमान जी को भाई बनाओ, पिता का स्वरूप समझो, फिर देखो आपको हनुमान जी की सेवा करने से कौन रोकता है। मैं हनुमान जी को भाई बनाती हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि लड़कियों को हनुमान चालीसा नहीं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, इसमें क्या लिखा गया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो का नाम, इसमें ना तो लड़का मेंशन है ना लड़की मेंशन है, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। तो ये मैंने कम्प्लीटली आपको वीडियो बना के बता चुका है कि अभी तक, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने अपने खाने में तुलसी दल नहीं डाला तो डाल लीजिए, तुलसी दल अब तोड़ा नहीं जाएगा, जो पहले से टूटी हुई तुलसी रखी हुई है वो अपने खाने में डाल लीजिए। मंदिर के पट बंद नहीं करे हैं तो आप पाप के भागी बन रहे हो, मंदिर के पट आप लोग बंद कर दीजिए। साथ ही के साथ आपको ये बात करना, नींबू काट के अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए इस टाइम पे। इस टाइम के जो गर्भवती महिलाएं हैं, पेट में गेरू लगा लीजिएगा 2:30 बजे से ही, अपने यहाँ पे दुपट्टे में तुलसी बांध लीजिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का जितना श्रवण कर सकते हैं करिए, गायत्री मंत्र जितना बोल सकते हैं बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना बोल सकते हैं बोलिए। ग्रहण काल के बाद नींबू वाले पोंछा लगाइए, नींबू उठा के नाली में या फिर डस्टबिन में थ्रो आउट कीजिए, नींबू वाले पानी से स्नान कीजिए, मंदिर के पट खोलिए, घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए, ठीक है। दीदी मूली मंगवा लूं अभी? हाँ जी मूली मंगवा लीजिए। ग्रहण काल के बाद दान अवश्य कीजिए, दान में मूली और जटा वाला नारियल जरूर दान कीजिए, बहुत ज्यादा शुभ होएगा, ठीक है। और मेष राशि वालों को थोड़ा सा सावधान होइए, आप लोग तो कमरे से बाहर ही मत निकलिए। एक चीज और मैं बता दूं, मैं आपको दिखाई दूं, बता क्या दूं, मैं आपको सीधा सीधा दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी ये दरवाजे मेरा थोड़ा सा खुला पड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी पर्दे डले नहीं है, लेकिन जैसे ही ग्रहण प्रारंभ होगा 2:30 बजे से पहले ही मैं ये सारे दरवाजे बंद कर दूंगी, सारे पर्दे मैं डाल दूंगी, एक भी पर्दा नहीं खुला होना चाहिए, दरवाजे नहीं खोले होने चाहिए, खिड़की दरवाजा अपना बंद कर लीजिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए घर में, और जितना हो सके हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत होती है। 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ना शुभ नहीं होता है। हमारे जब चंद्र देवता कष्ट में होंगे तो कष्ट से कौन निकालता है, हनुमान जी को निकालते हैं। कलयुग में सबसे कलयुग के सो साक्षात देव है वो बालाजी अर्थात हनुमान जी ही है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जितना हो सकता है, टीवी पे हनुमान चालीसा चला लीजिए, ग्रहण के बाद एक बार हनुमान चालीसा जरूर कीजिए, ग्रहण के बाद नींबू का पानी का छिड़काव अवश्य कीजिए, ग्रहण के बाद धूनी कपूर की अवश्य दीजिए ताकि घर की पूरी नकारात्मकता चली जाए। और अगर अभी तक नहाए नहीं हो तो नहाने की अब कोई जरूरत नहीं, ग्रहण के बाद ही नहाना है आपको। शाम को अगर आप नहा नहीं सकते तो कम से कम नींबू वाले पानी का छिड़काव अवश्य कीजिए, बूढ़े बुजुर्गों के पास ये चीज अवश्य कीजिए, ठीक है। अगर पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं तब भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपको याद है वो वाली, यानी कि बुक लेके पढ़ रहे हो, इस टाइम पे कोई बुक नहीं पढ़ी जाती, किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ आप लोग नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको ग्रहण से संबंधित दी है, और ग्रहण में केवल सावधान होने की आवश्यकता है तो आपको भी सावधान होना है। 2:30 बजे से पूर्व खाना खा लीजिए और नींबू काट के अवश्य रखिए, और 2:30 बजे के बाद अगर हो सके तो खाना मत खाइए, और अगर नहीं रुक सकते तो कम से कम 5 बजे के बाद तो बिल्कुल भी खाना मत खाइए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी।